जहां पर भूपेश में कैबिनेट की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री निवास पर चल रही इस बैठक के पहले गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई और स्वतंत्रता आंदोलन में शहीदों के योगदान को याद किया गया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता आंदोलन में शहीदों के योगदान का स्मरण करने के बाद भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक चल रही। बैठक के पहले गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई और स्वतंत्रता आंदोलन में शहीदों के योगदान को स्मरण किया गया। कैबिनेट में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं आशीष तिवारी। आशीष, आज की कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं और साथ ही साथ CAA को लेकर भी एक जो अहम मुद्दा है ये भी उसमें शामिल रहने वाला है? देखिए, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और कैबिनेट के एजेंडे जो सामने आए हैं, जिसके बारे में जानकारी मिली है, वो जानकारी कहती है कि नागरिकता संशोधन कानून ही एक ऐसा बड़ा एजेंडा है जिस पर आज की कैबिनेट में न केवल चर्चा होगी बल्कि इसके प्रस्ताव को अनुमोदित भी किया जाएगा। दरअसल केरल, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार भी विधानसभा के आगामी बजट सत्र में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सदन में संवैधानिक तौर पर प्रस्ताव पारित करने जा रही है और चूंकि सदन में ये प्रस्ताव आना है लिहाजा कैबिनेट की अनुमति जरूरी है और यही वजह है कि आज भूपेश कैबिनेट की बैठक का एक ये प्रमुख एजेंडा है। इस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद इसे पारित किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो कैबिनेट के जो दूसरे अनौपचारिक विषय है उसमें ये भी है कि जो राजकीय गीत छत्तीसगढ़ का है अरपा पैड़ी के धार, वो म्यूजिक फॉर्म में तकरीबन 6 मिनट की अवधि का है और इसके मानकीकरण का निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों दिया था। इसका मानकीकरण पूरा कर लिया गया है और अब ये बगैर संगीत के तकरीबन 1 मिनट 15 सेकंड का ये राजकीय गीत बनाया गया है। इसका भी प्रस्तुतिकरण कैबिनेट की मीटिंग के दौरान किया जाएगा। तो ये दो प्रमुख विषय आज की कैबिनेट में सामने आए हैं। लेकिन जरूर अलग अलग विभागों से जिस तरह के प्रस्ताव लिए जाते हैं तो ये भी मुमकिन है कि कई और दूसरे एजेंडों पर भी कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा हो सकती है। बिल्कुल आशीष, हमारे साथ बने रहेगा। अगली खबर पर हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। और आपको पता है मुख्यमंत्री निवास पर यह अहम बैठक चल रही है। कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार भी